कि बाइक्स क्यों नहीं चला रहा हूँ, बाइक मैं दूसरी बाइक का भी प्लान कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। अभी टाइम सुबह के 9:05 हो चुके हैं और हम 7 के यहाँ आ गए थे और अभी हमारा काम चल रहा है और यहाँ काम के लिए आए। लेकिन ना मुझे एक बात याद आई, अभी हम ना कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे थे, काफी कमेंट्स थे बाइक को लेकर के, बाइक कहाँ है या बाइक क्यों नहीं चलाते, हायाबुसा पे राइड, 1250। तो आज आपको पूरा बाइक के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले काम करते हैं, घर चलते हैं उसके बाद। और यहाँ पर बैठे बैठे ना मैंने ये बुक भी पढ़ ली है जो वहाँ मंदिर से ली थी ना, कैची धाम से। ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग, काफी अलग लग रहा है, मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं ऐसा फील आ रहा है इसको पढ़ के ना। आप भी इसके बारे में जरूर पढ़ना और हो सके तो जाना जरूर। मतलब मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि मैं दोबारा चला जाऊं, मतलब 2 मैं गया था और उसके बाद अभी भी लग रहा है कि चला जाऊं। तुम्हें कैसा लगा? मन तो मेरा भी बहुत है जाने का, है ना। मंदिर में एक अलग वाइब थी। और थार को भी हमने अंदर पार्क कर दिया है क्योंकि ये साफ कराई थी ना, दोबारा गंदी ना हो जाए, और पार्किंग भी साफ करा दी है। और बाइक की अपडेट कह रहे थे तो एक बाइक ये खड़ी अपनी चेरी और एक BMW 310 GS ये पार्क है घर पर। और अभी टाइम देखोगे ना 1:20 हो गए जिसमें हम स्टूडियो से अब आ रहे हैं। सुबह से ना जिम गया, कहीं भी नहीं गया, सिर्फ स्टूडियो में इतना टाइम लगा एडिटिंग रील इन सब में। पहला को आज नलाई नलाई कर दो, देखो हाथ लगाती कैसे लेट जाती, जैसी हाथ लगाया कैसे लेट गई। मसाज चाहिए इसे, मसाज। चलो नहीं नहीं करवाएंगे आज इसकी, है क्यों, और किसे चाहिए? मेरे को तो नहीं चाहिए भाई। और मेरी मम्मी ने ना एक न्यू बिजनेस चालू किया है, अगर किसी को भी फ्रूट या सब्जी लेनी हो तो मम्मी से कॉन्टेक्ट करें, है ना। लेकर तो ऐसी बैठे बेड पे सब्जी फ्रूट सब लेकर, 100 रुपए किलो। सुनो कुछ भी खाने के लिए दे दो, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया। 1:20 हो चुके हैं। चले जी, हमें तो खाना मिला नहीं लेकिन हम बेला को खिला देते हैं। आज बेला आजा। और ये कुछ ही सेकंडों में फिनिश हो जाएगा। देखो कितनी तेज फुर्ती, देखो इसकी, जैसे इससे कोई छीनने वाला है। मैं खा लूंगा क्या? और इसका फेवरेट है ये, दूसरा फूड लाया हूं ना जो मैं रॉयल कैनन का, वो इसका फेवरेट। और दिन में 5 देते हैं इसको इतना। और भाई क्या हाल है? मतलब 1:30 ये सोने का टाइम है। थोड़ा बहुत पेपर देके आया, फुल सा है पेपर देके आया। कितने नंबर आएंगे? 33 पास तो ही जाऊंगा, 33 ला के, है ना। खाना खाने दे। अभी तो खाना दिया है तेरे को, बहुत अभी नला देते हैं, हो गए 2 नला दो और क्या, मुंह साफ कर दे इसका। देख इसका ट्रेनिंग हो रही है, आगे भी हो रही है। और इसकी तबीयत पहले से ठीक है, बेला को देखे जा रहा है, नींद में है क्या अभी भी? वाओ न्यू शर्ट, शर्ट में अच्छा लगता है मुझे, है मम्मी, शर्ट में अच्छा लगता है। आखिर ये है बाप का बेटा, मेरी तरह स्मार्ट है ना, सही है मम्मी पे नहीं गया। अभी इसकी मम्मी से पूछते हैं, ज्ञान स्मार्ट है ना मेरी तरह, सही है तुम्हारे पे नहीं गया? नहीं व्यान को तो अभी नींद आ रही है। अच्छा वो व्यान आप पापा पे चले गए, ड्रेसिंग सेंस भी आपका ऐसी रहेगा और आप स्मार्ट भी ऐसी रहोगे। मैं कुछ नहीं कह रहा, बस सगी बीवी ढूंढ रहा हूँ मैं तो, जैसी मिल जाएगी। दूर के रिश्तेदारों को फिर कौन याद करता है। और आज हम ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर रहे हैं, मतलब ब्रंच कर रहे हैं। और इधर है दाल, इधर दही, इधर ये है सोयाबीन और आलू की सब्जी, इधर चटनी जो कि हमारे घर तो फेवरेट हमारी है ही चटनी, ये है गवार की फली, और इधर हरी चटनी, और इधर बेला। अरे बुला नहीं रहा था, बस बता रहा था कि इधर बेला है। व्यान अपने दादाजी को तंग करते हुए, छोड़ दो उसे ये कह रहा है, खड़ो के चल अब भागेगा। यार अंदर चलो, कितनी तेज भाग रहा है। बाय बाय मिला। और अभी टाइम ना 5:10 हो चुके हैं और हम जिम जा रहे हैं क्योंकि सुबह तो जा नहीं पाए थे, सारा काम सुबह लग गया था रील्स और वीडियो एडिट में, तो फिलहाल जिम जा रहे हैं। और वहां से वापसी में फिर आपको बताएंगे पूरी डिटेल में एक एक बात जो आप कमेंट्स कर रहे हैं ना बाइक को लेकर, तो सब आपसे आज बात करते हैं। जिम आए हुए 1 हुआ और देखिए हमारे पास कौन मिलने आ गया, हमसे कौन मिलने आ गया है भाई, इतने दिनों बाद। भाई काम में बिजी है, अभी बहुत याद आ रही थी। अच्छा जी, बहुत दिनों से मेरे को हिचकी आ रही थी आपके नाम की, हिचकी मुझे आएगी ना भाई, तुम याद करोगे तो मुझे हिचकी आएगी। मेरे ख्याल से बर्थडे से नहीं मिले हो तुम, जब से आज मिले और अभी हम जा रहे हैं मनोज की सियाज में घूमने के लिए, कुछ खा पी के आएंगे। मैं देखो आपके लिए क्या लेकर आया, खुद डाइटिंग करो, हमें ये खिलाओ। मनोज का कहना बहुत दिन से मिले नहीं हो तो चलो कहीं गेड़ी खेड़ी मार के आते हैं। और ये देखो हमारे लिए क्या आया है, देखो हमारी ड्राइवर सीट पे कोई नहीं है क्योंकि भैया गए हैं सुसु करने। भैया को सुसु और मोमोज दो चीज बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, मतलब हमें 15 हुए हैं, चलो भैया सुसु करने वहाँ चले गए। चलिए जी अब ये डाइटिंग पे, तो ये डाइटिंग पे ये नहीं खाएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, ये जबरदस्ती कह रहा है। लेकिन आप पान वान ले लेते और वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन
कौन सा बढ़िया मीठे में? अच्छा से दे दो ना, चॉकलेट वॉकलेट। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। अब जब तक तुम नहीं खाओगे ना, हम नहीं खाएंगे। ये अपनी डाइटिंग करता है, हमें मोटा करता है, इसकी स्टाइल है, इसकी चीटिंग है। मेरी डाइट चल रही है, आपको पता है। वही तो कह रहा हूँ, तुम अपनी बॉडी बनाते रहो, हमारा पेट बनाते रहो। नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, ये देखिए इस बंदे को पता नहीं 15 रुक गया। ये मत बोल देना, क्यों ना बोलूं जब तुम 15 मिनट में जाते हो तो। भाई साहब को फिर सूसू आ गया, खाया पिया कुछ नहीं, सूसू बार बार आता है। हेलो, हाँ जी, टाइम देखोगे ना 9 बज चुके हैं और अराउंड हम 7 बजे से घूम रहे हैं, मतलब 2 घंटे हम पूरी दिल्ली घूम चुके हैं और भाई ने कुछ नहीं खाया। और अब भाई घुमा रहा है कि अब ग्रीन चिक चोप ढूंढो, क्योंकि उस पे थोड़ा पुबला पुबला खाना पुबला पुबला नहीं, मतलब जिम के ओनर मैं फिट मुझे होना चाहिए। टेंशन तुम लेते हो इतनी, 13 किलोमीटर चल लियो तुम सिर्फ उसके लिए, और अभी भी तुम्हें मिला नहीं है। जादू है उसका, जादू क्या जादू है दिखाना, जादू ब्रेस्ट का जादू है, जब भी कुछ जादू नहीं है। पूछ लो किसी से कौन ज्यादा फिट है, कमेंट में बताना, देख लो किसका डोला, दिखा भी तो नहीं पा रहा मैं गाड़ी में। देखो गूगल मैप पे तो दिखा रहा भाई, तुम्हारी दुकान आ गई है, ये रही फाइनली 18 किलोमीटर ढूंढने के बाद मिल गई। आपके लोग, मैं नहीं खा रहा, तुमने मेरा नहीं खाया, मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगा। नहीं मैं नहीं खा रहा, बहुत टेस्टी है। जब तुम वो खाओगे ना पान शान, जब मैं ये खाऊंगा। भाई ने तो अपना डाइटिंग वाला सोदा ले लिया है और मैंने ना एक कॉफी ली देख कर ना, और सच बता रहा हूँ इतना मूड खराब हो गया। इसकी एक घूट पीते ना इतनी कड़वी है, तो डस्टबिन में फेंकूंगा, पी नहीं है, बस एक ही घूट पी है, मूड खराब हो गया, ऐसा टेस्ट है इसका। इसमें वैसे प्रोटीन है 18 ग्राम, लेकिन बिल्कुल रो कॉफी। देखो ऐसी बॉडी बनानी है ना तो उबला हुआ ऐसा खाओ, और ऐसी बॉडी बनानी है तो सब कुछ खाओ, बस थोड़ा सा वर्कआउट कर लो। नहीं मैं चलाता हूँ, तुम रास्ते में खा लेना। चलो जी भाई मिलते हैं कल, ठीक है। बैक टू होम, और टाइम ना 10:15 हो चुके हैं, और मैंने देखो गेट वेट सब लॉक कर दिया, क्योंकि आपसे कुछ स्पेशल बात करनी है जिसके लिए कमेंट्स आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो का मैं टाइटल थंबनेल भी यही रखूंगा, क्योंकि मैं पहले भी ब्लॉग्स में बता चुका हूं और फिर भी कमेंट्स आते हैं, इसलिए कहता हूं सारी वीडियो देखो, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने वैसे बताया, फिर भी एक बार बता देते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइक्स क्यों नहीं चला रहे, बाइक्स क्यों नहीं है। तो आज मैंने जो 2 बाइक्स दिखाई ना, वो है अब जो मेरे पास अभी है। मेरा मानना ये है अब मेरे को ना सब कुछ ब्लैक ब्लैक करना है, तो आपने देखा कार भी मैं ब्लैक ले रहा हूं, स्कॉर्पियन भी ब्लैक, इसलिए मेरे पे जो बाइक्स थी मैंने वो सेल आउट कर दी है। एक जब मैं बीच में वीडियो नहीं बना रहा था जब, और पहले मैं वीडियो बना रहा था जब मैंने सेल आउट करके बताई भी थी, और ये दोनों छोटी बाइकें हैं तो इसलिए मैंने रख ली, नहीं तो मैं इनको भी सेल आउट करके कुछ ब्लैक लेता। तो इन पे या तो ब्लैक रैप करा लेंगे या इनको ऐसे ही रखेंगे, ये छोटे मोटे आसपास के काम के लिए रहेगी। बाकी मैं दूसरी बाइक का भी प्लान कर रहा हूं, बाइक अभी मेरे मन में या तो मैं ब्लैक हायाबुसा ही ले लूं या BMW की S1000RR ले लूं, ये 2 बाइक मैंने अभी सोची है। बाकी आप भी बता देना, बाइक मुझे स्पोर्ट्स ही लेनी है मतलब कोई, तो आप भी कमेंट्स में बताना कौन सी लेनी चाहिए स्पोर्ट्स। और बाइक निकालने का रीजन यही था कि चल कम रही थी और मुझे जो है अपना गैराज ना ब्लैक करना है, सब कुछ मतलब कार ब्लैक, बाइक ब्लैक, सब कुछ ब्लैक, ये रीजन भी था। हालांकि कुछ लोग बेवकूफ बोलेंगे कि भाई हायाबुसा देखकर ब्लैक ही ले रहा है, क्योंकि मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा यार, एक ब्लैक हायाबुसा ही समझ आ रही है या एक S1000RR आ रही है। बाकी मुझे चाहिए स्पोर्ट्स ही, मतलब मैं अब टूरिंग भी जो करूंगा ना, मतलब जो ट्रिप भी करूंगा अगर बाइक पे, तो स्पोर्ट्स पे ही करूंगा, जैसे मैंने अपनी हायाबुसा पे लद्दाख किया था ना, इसी तरह। तो कमेंट्स में बताना मुझे कौन सी लेनी चाहिए, और आप और मतलब स्पोर्ट्स बाइक में और कोई भी सजेशन दे सकते हैं अगर लगे। फिलहाल ये 2 मैंने सोची है, शॉर्ट लिस्ट की है, और इनमें भी कंफ्यूज हूँ कब लूँ, मतलब अभी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा ट्रिप जो है ना कार से प्लान है। एक मैं सोच रहा हूँ जब अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, जब ले लूँ, और कुछ नहीं पता मूड का पहले भी आ जाए। तो आप कमेंट्स में बताना कब लेनी चाहिए, दूसरा कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी कंफ्यूजन में आप लोगों से ये डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि मोटर ब्लॉगिंग करो या बाइक का, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो इसी पर बना देते हैं। और अब मैंने आपको बता दिया, दोबारा ना पूछना क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं टाइटल थंबनेल यही रख दूंगा, जो आप देखें तो सही है, जिसको जानना है खासकर जो मैसेज करते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और व्यान बुएला सबको मैंने बाहर किया हुआ है कि ये जो बात कर सकूं ना ठीक से कर सकूं और आवाज ना आए, तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर।